नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ अच्छी खबर शेयर करनी है। यहाँ पर मेरे पास एक आर्टिकल है MBBS सीट के इंक्रीज होने के बारे में, जो आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। यह आर्टिकल तमिलनाडु स्टेट के बारे में है और इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ मैं आपको पढ़कर समझाता हूँ। इन ए मैसिव अटेम्प्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स इन द स्टेट, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट टुगेदर हैव अप्लाइड फॉर at least 950 more MBBS seats for 2019. These include at least 345 seats in public institute. The Directorate of Medical Education has submitted its final compliance report after two rounds of inspections and is expecting the letter of permission from the center. तो यहाँ पर लिखा है कि तमिलनाडु के स्टेट में MBBS के सीट्स काफ़ी सारे इंक्रीज होने वाली है इस साल में। 950 टोटल MBBS सीट्स इंक्रीज होने की संभावना है और 950 में से 345 मिनिमम गवर्नमेंट मेडिकल सीट में इंक्रीज होगी और बाकी जो 500 सीट है वह इंक्रीज हो जाएगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। और इसके रिगार्डिंग मुझे और न्यूज़ मिलेगा और इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दूंगा। इस आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि उन्होंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्होंने फॉलो किया है, उनके पास रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ है, फैकल्टीज़ है यह सीट इंक्रीज होने के लिए। इसलिए मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही होता है कि इस साल 1000 MBBS सीट्स इंक्रीज हो जाएगी तमिलनाडु के स्टेट में। तो अगर आप तमिलनाडु के स्टेट में एडमिशन लेने वाले हैं, तमिलनाडु के स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, तो यह आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। अब सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के स्टेट के बारे में यह खबर नहीं रहेगी, काफ़ी सारे स्टेट में MBBS की सीट इंक्रीज होगी और मुझे वो न्यूज़ मिलेगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल है, उन्हें दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।